हे किड्स, वेलकम टू टक टेल्स। टक टेल्स में आज हम सीखेंगे क्रोध को क्षमा से शांत करने की कहानी। तो बहुत पुरानी बात है, एक जंगल था, उसमें कनकखल नाम का एक आश्रम था। आश्रम में बहुत से साधु साध्वी तपस्या किया करते थे। उस आश्रम का जो मालिक था वो बड़ा ही क्रोधी और गुस्से वाला था। उसका नाम था चंड कौशिक। एक बार कुछ राजा महाराजा के बच्चे यानी छोटे छोटे राजकुमार उस आश्रम में फल और फूल तोड़ने आए। उन्हें फल फूल तोड़ता देख चंड कौशिक को बड़ा क्रोध आया और वो उन्हें मारने के लिए दौड़ा। दौड़ते दौड़ते वो गड्ढे में गिर गया और जैसे ही वो गड्ढे में गिरा वो मर गया। मर कर चंड कौशिक उसी जंगल में सांप बना। चंड कौशिक सांप भी जो था वो बड़ा ही गुस्सैल सांप था। वो जैसे ही किसी को देखता जोर से फुंकारता और अपना विष छोड़ देता। धीरे धीरे उस जंगल में लोगों का आना जाना बंद हो गया और वो जंगल एकदम सुनसान और वीरान हो गया। अब एक बार की बात है, भगवान महावीर को वचाला जाना था। वचाला नामक जगह पर जाने के लिए जो रास्ता था वो इसी जंगल से होकर जाता था। भगवान महावीर को लोगों ने काफी मना किया कि आप इस रास्ते से ना जाएं, क्योंकि इस पे चंड कौशिक सर्प है, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। इस पर भगवान महावीर ने कहा, मैं अपने निर्णय पर अडिग हूँ, मैं इसी जंगल से जाऊंगा। भगवान महावीर ने उस जंगल से विहार करना शुरू किया। चलते चलते भगवान महावीर एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पेड़ पौधे पशु पक्षी कुछ नहीं थे, सब मर चुके थे। भगवान महावीर समझ गए, हो ना हो यही चंड कौशिक की जगह है। वो वहीं पर आंखें मूंद कर ध्यान लगाकर खड़े हो गए। अब इंसान को अपने स्थान पर पाकर चंड कौशिक को बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, ये कौन मनुष्य है जिसने मेरे इलाके में आने की हिम्मत की है। और वो भगवान की तरफ फुफकारते हुए गया। उसने अपनी जहर की 3 फुफकार भगवान पर फेंकी, पर भगवान महावीर शांति से वहां ध्यान मुद्रा में खड़े रहे। ये देखकर चंड कौशिक को और भी ज्यादा गुस्सा आया। ऐसा तो आज तक उसके साथ में नहीं हुआ, ये कैसा इंसान है जो उसकी जहर वाली फुंकार से भी जिंदा बच गया। उसने ना आव देखा ना ताव, लिया अपने आगे के 2 दांत भगवान महावीर के अंगूठे पे गड़ा दिए। उन्होंने उसे डंक मारा। अब भगवान महावीर के अंगूठे से रक्त की जगह दूध की धारा बह निकली। चंड कौशिक ये देखकर बड़ा ही अचंभित हुआ। उसे लगा, ये तो कोई चमत्कारी मानव है, खून की जगह दूध आ रहा है। वो यही सब कुछ सोच रहा था कि भगवान महावीर ने अपनी आंखें खोली और उसे कहा, शांत हो जाओ चंड कौशिक, शांत हो जाओ। इसी क्रोध की वजह से तुम पिछले जन्म में मर गए थे और इसी क्रोध की वजह से तुम सांप बने हो। अब तुम अपने इस क्रोध को छोड़ दो, सबसे क्षमा याचना करो और सबके साथ में प्यार से शांति पूर्वक रहो। यह सुन चंड कौशिक का गुस्सा शांत हो गया और वो चुपचाप धीरे धीरे अपने बिल में चला गया। तो हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? हम इस कहानी से सीखते हैं कि कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए और सबके साथ
हमेशा प्यार से रहना चाहिए।